गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 जो है हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द आंसर। इक्वेशन जो दी हुई है उसे सॉल्व करना और आंसर को चेक करना है। तो ये है 3x = 2x + 18, ठीक है। 3x, ये 2x इधर जाएगा जैसे हम करते आए हैं। माइनस का 2x = 18। 3x में से 2x माइनस हुए तो कितना बचा, 1x, 1 लिखते नहीं है। x = 18, ये हमारा आंसर सॉल्व हुआ। आप पुट द वैल्यू, अब x की वैल्यू रख दो किसमें, क्वेश्चन में रख दिया। तो देखो 3, ये x इसके साथ में, इनके बीच में कोई नंबर, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू और x की वैल्यू कितनी आई है, 18। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ दोनों तरफ 18 लिख दो। = 2 × 18 + 18। 18 3 = 54 18 2 = 36 + 18। तो इधर भी 54 और इधर भी 54 प्लस करने पर, तो ये दोनों तरफ आप देखो कि इक्वल आ रहा है। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5t - 3 = 3t - 5। 5t, 3t इधर जाएगा, माइनस का t, माइनस का 3t = -5, और ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का 5। अब 5t में से 3t माइनस कर दो तो 2t बचेंगे। 2t = -5 में से प्लस का 3 निकाल दो तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अब t = -2, और ये 2 नीचे जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर का 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हम चेक करेंगे आंसर। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू रख दो किसमें, क्वेश्चन वाले इक्वेशन में। तो 5 × t की जगह पे -1, -3 = 3 × t की जगह पे -1, -5 हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5 + 5 + -, -3 = 3 + 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और -5। अब दोनों तरफ देखो, -3 और -5 को एक जगह करेंगे तो माइनस का 1, और इधर भी -3 और -5 को एक जगह करेंगे तो -1। यानी दोनों तरफ बोथ साइड्स इक्वल आ रहा है, -8 = -8। सो अब सॉल्यूशन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। डन, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 5x, ये 3x इधर जाएगा, माइनस का 3x = 5, ये 9 इधर जाएगा, माइनस का 9। 5x में से 3x है तो 2x = -4, क्योंकि 5 में से 9 नहीं आप माइनस कर सकते हो, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4। अब x = -4, और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 2। आप पुट द वैल्यू ऑफ x, आंसर भी चेक के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इसमें रखना है, यानी कि 5 × -2, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 साइंस नज़दीक एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, और +9 = 5 + 3 × x की वैल्यू -2, प्लस माइनस माइनस, 5 × 2 = 10, +9 = 5 और प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6। आप माइनस के 10 में से प्लस का 9 निकालेंगे तो माइनस का 1, इधर माइनस के 6 में से प्लस का 5 निकालेंगे तो माइनस का 1। तो क्या हो गया है, दोनों तरफ इक्वल है, बोथ साइड्स इक्वल, सो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
फोर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू जेड, हो गया फोर जेड, जेड इधर ले आए, टू जेड है ये, तो ये माइनस का टू जेड इज इक्वल टू सिक्स, ये थ्री इधर जाएगा तो माइनस का थ्री, फोर जेड में से टू जेड निकाले तो कितना रहेगा टू जेड, हो गया। नेक्स्ट है इधर सिक्स में से थ्री, थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई थ्री अपॉन टू। अब आप वैल्यू रख दो इक्वेशन में, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर इंटू थ्री अपॉन टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू इंटू जेड की जगह पे थ्री अपॉन टू, टू से टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी टू अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का ऊपर, टू थ्री जा सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, टू से टू कट गया तो प्लस का थ्री, यहाँ भी सिक्स और प्लस थ्री नाइन और यहाँ भी सिक्स प्लस थ्री नाइन, सो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस एक्स, डन, एक्स एक्स एक तरफ कर दूं, टू एक्स ये इधर जाएगा प्लस का वन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन, ये माइनस का वन इधर जाएगा प्लस का वन, टू एक्स और वन एक्स मिला के थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन और वन फिफ्टीन, एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन में आ गया थ्री, थ्री से डिवाइड कर दो फिफ्टीन को, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव टाइम, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया फाइव। अब वैल्यू रख दे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स किसमें, क्वेश्चन की इक्वेशन में, टू इंटू एक्स की जगह फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस एक्स की जगह पे फाइव, हो गया। अब फाइव टू जा टेन माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टीन में से नाइन, फाइव माइनस होंगे तो नाइन, और इधर टेन में से वन नाइन हुआ माइनस तो नाइन, तो नाइन इज इक्वल टू नाइन, आवर आंसर इज करेक्ट बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सिक्स, एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, प्लस सेवन, पहले आप देखो ये ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट और थ्री के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का मतलब है थ्री को एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे और थ्री को वन से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले अपन ब्रैकेट खोलेंगे, तो एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स माइनस थ्री को वन से करेंगे तो थ्री वन जा थ्री प्लस सेवन, अब ओपन हो गया है तो एक सेकेंड, देख लीजिए एट एक्स ये इधर जाएगा माइनस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री प्लस का सेवन और ये फोर जो है इधर जाएगा माइनस का फोर, थ्री एट एक्स और ये एट एक्स है ना अपना, तो एट एक्स में से थ्री एक्स गया तो कितना बचा फाइव एक्स इज इक्वल टू प्लस का सेवन और माइनस का सेवन, तो x इज इक्वल टू सेवन में से सेवन जीरो प्लस का सेवन क्यों, प्लस का तो सेवन ये रहा और माइनस के थ्री और माइनस के फोर मिला के हो गया माइनस के सेवन, तो सेवन में से सेवन जीरो और ये फाइव आएगा नीचे, तो जीरो अपॉन फाइव का आंसर हमेशा जीरो रहता है, तो आप आंसर निकल चेक करें, हम ये तो हमारा आंसर तो निकल गया x की वैल्यू जीरो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इसमें रख दे x की वैल्यू, तो एट इंटू जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में जीरो माइनस वन प्लस सेवन, देख लीजिए एट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो माइनस थ्री बन जा थ्री प्लस सेवन, ये फोर रह गया और यहाँ सेवन में से माइनस के थ्री निकले तो प्लस के फोर, सो we got correct answer because both sides are equal, so we have done today question number first to sixth of exercise 2.3. next question we will do in next class. Thank you.